पूर्वोत्तर रेलवे के राजभाषा पखवाड़ा समारोह वर्ष 2018 के तहत राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठक और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन गुरुवार को रेलवे की प्रबंध विभाग के सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव, राजभाषा अधिकारी बीपी शर्मा, मुख्य कार्मिक अधिकारी एलवी राय, जेपी सिंह सहित रेलवे के कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रेलवे से संबंधित अधिकारियों ने पिछले 3 अगस्त से 24 अगस्त तक राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित विविध प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों का विवरण महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मौके पर पखवाड़े को अगली बार और सफल बनाने के लिए समीक्षा की गई, जिसके पश्चात राजभाषा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनाने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया। द्वारा सूचनाएं हिंदी एवं अंग्रेजी में भारी बारिश प्रसारित की जा रही हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी प्रदर्शन बोर्ड पर गाड़ियों के आवागमन की सूचनाएं हिंदी व अंग्रेजी में प्रदर्शित हो रही हैं। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं पुरस्कार उनको लागू करने की स्थिति गृह मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड द्वारा निकलती है, उसमें भी समय समय पर हम इसको प्रकाशित करते हैं। अभी यह अंक आपके सामने है, इसमें योजनाओं के बारे में किया है। हस्ताक्षर करता अधिकारी प्राप्ति परीक्षण अनुभाग, टाइपिंग अनुभाग, भंडार अनुभाग आदि हिंदी जांच स्तर बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से हिंदी प्रयोग प्रसार की सतत निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्रालय का भाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 में हिंदी लिटरेशन के निर्धारित लक्ष्य 66% प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जून 2018 की मई अवधि के दौरान 20 रेलवे के अधिकारियों के लिटरेशन का समीकृत प्रतिशत 100% रहा है। हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन जून 2018 की मई अवधि के दौरान इस रेलवे पर 18 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इन कार्यशालाओं में कुल 354 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। अध्यक्ष महोदय की अनुमत से अन्य विषय गोरखपुर मुख्यालय में 3 से 14 सितम्बर 2018 तक कार्यशाला का पड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान हमारे निर्मित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 3 नव को गोरखपुर एवं लखनऊ की नाटक टीमों से प्रतियोगिता हुई, जिसमें गोरखपुर की टीम को चयनित किया गया। 4 नव को कर्मचारियों के लिए हिंदी की प्रतियोगिता किया गया। 5 नव को साहित्यिक संगोष्ठी निर्धारित थी, जिसे झारखंड से स्थित करना पड़ा। 6 नव का कार्यक्रम था 12 तारीख को। 13-9-18 को क्षेत्रीय राजभाषा आयोजित हो रही है और इसी क्रम में कल 14-9-18 को शाम 5 बजे से हमारे अधिकारी कल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें हमें रेल मंत्री और रेल मंत्री के संदेश भी प्राप्त हो चुका है, उसका आवाजन भी कराया गया है। अब हमारी या कोई सुझाव भाई भाई अवगत कराने का है। प्रबंधक महोदय, मुख्य राजभाषा अधिकारी, सभी विभागाध्यक्ष, योग को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर हिंदी संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं, कवि सम्मेलन आदि के आयोजन किए जाते हैं। साहित्य कार्यों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही अवधि में 9 अप्रैल 2018 को साहित्यकार श्री राहुल सांप्रतायन, 24 मई 2018 को कवि सुमित्रानंदन पंत जी, 29 जून 2018 को कवि नागार्जुन जी की जयंती मनाई गई। जैन एवं कृतित्व पर चर्चा के साथ साथ उन पर दत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक के साथ किसी तकनीकी या साहित्यिक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाता है। आलोच्य अवधि में 3 तकनीकी गोष्ठियों तथा साहित्यिक विषयों पर 1 संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर 6 कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। कंप्यूटर पर हिंदी कार्य को बढ़ावा देने के लिए 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें पावर पॉइंट के माध्यम से यूनिकोड पर हिंदी कार्य और 22 टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया गया। जैसा कि पिछली बैठक में निर्णय हुआ था, क्रिस द्वारा विकसित रेल राजभाषा मोबाइल ऐप के प्रचार प्रसार और बैठकों के आयोजन, विभागीय निरीक्षणों के दौरान राजभाषा संबंधी निरीक्षण, पुस्तकालयों के निरीक्षण, जांच स्थलों की निगरानी आदि कार्य किए गए हैं और मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति इज्जत नगर की बैठक का नियमित आयोजन किया जा रहा है।
अगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय इज्जत नगर को राजभाषा में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है कि 29 सितंबर 2018 तक राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 28 सितंबर को नाटक प्रस्तुति और 29 सितंबर को कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा। मैं एक दो पॉइंट्स और रखना चाहूँगा कि जो वरिष्ठ अनुवादक का पोस्टिंग ऑर्डर किया गया है उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और हम राजभाषा अधिकारी जी से निवेदन करेंगे कि आप उनको कहें कि वो जल्दी ज्वाइन करें।